Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Umar Dwabia from the platform of Study River CSS Club YouTube channel. Ladies and gentlemen, in this particular video, we will be discussing about the dimensional aspects of the paper of philosophy recently conducted by the Federal Public Service Commission through CSS 2021. And luckily, we have with us our CSS mentor for the subject of philosophy, Sir Amjad Rauf Sahab. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Umar Dwabia sahab, kaise hain aap? Alhamdulillah, sir. First of all, we are really thankful that you spared your precious time for the aspirants of the PMS 21 and obviously CSS 2022, because CSS 2021 to ab apne ikhtitam ko pahunch chuka hai, ya ghaliban ek aadha paper reh gaya hai. To aaj aapko pata hai ki philosophy ka ek adad parcha tha, aur philosophy jisse ki hum political science mein bhi padhte hain, और फिलॉसफी को बहसीयत अलग एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, और फिलॉसफी को हम लोग तमाम सब्जेक्ट्स को एज अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं. इन तमाम तर एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप पर्टिकुलरली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से क्या देखते हैं? सबसे पहले, क्या आया आज का पेपर आसान था, मुश्किल था, या किसी हद तक एक अदद बैलेंस्ड पेपर था? टीचर को भी उतनी ही फिक्र होती है अपने मुतलका पेपर की जितनी स्टूडेंट्स को होती है. मेरे ख्याल में टीचर को ज्यादा होती है, बिल्कुल, क्योंकि उसने पढ़ाया होता है, मेहनत की होती है. तो मैंने आज पेपर देखा, जो भी पेपर हुआ, स्टूडेंट्स रहे तो उन्होंने पेपर मुझे सेंड किया. तो मैं पेपर के हवाले से इंतहाई मुतमिन हूँ कि जो हमने पढ़ा, जो हमने पढ़ाया, जो हमारी डिस्कशन रही, तो उसके बाहर से कुछ नहीं आया, बिल्कुल. और दूसरी बात के पेपर, फिलॉसफी के पेपर के साथ अभी साहब एक ये भी खुशकिस्मती है कि फिलॉसफी के पेपर, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए कभी भी एग्जामिनर जो है वो उसको टारगेट नहीं करता, ठीक है, फिलॉसफी के पेपर को. और कभी भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पिछले 10 साल से मैंने नहीं देखा कि कोई एक क्वेश्चन भी अनएक्सपेक्टेड आया हो जो मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन ना हो. आज के पेपर के साथ भी ऐसा ही था कि इसमें जो मेन क्वेश्चन थे, जिनका आना बनता था पेपर में, वही क्वेश्चन आए. मतलब पहला जो पोर्शन था, हम डिवाइड करते हैं, 4 पोर्शन है फिलॉसफी के पेपर के अंदर. तो पहले पोर्शन से क्वेश्चन आया, वो मेथड का था, तो उसमें से एक मिलकर मेथड आ गया. इसी तरह फिर फिलॉसफी में एक और जैसा बड़ी अहम बहस है, जिसमें जो मेन क्वेश्चन बनते हैं उसमें से बनते हैं, वो है आइडियलिज्म वाले फिलॉसफर और एम्पिरिसिज्म वाले फिलॉसफर. तो उनमें से जो है एक क्वेश्चन आ गया, वो एम्पिरिसिज्म पे आ गया. एम्पिरिसिज्म बुनियादी तौर पे ये है कि जिसको हम बोलते हैं कि इल्म जो है वो तजर्बे से हासिल होता है. तो ये एक फिलॉसफर का एक पूरा ग्रुप है, तो वहां से एक आ गया. फिर इसी तरह कांट पे एक क्वेश्चन आ गया. अच्छा, कांट अब एक ऐसा फिलॉसफर है कि जो बुनियादी तौर पे जो आइडियलिज्म और एम्पिरिसिज्म है इनको सिंथेसाइज करता है. तो इसमें अच्छा, फिर अभी अब एक मसला फिलॉसफी के पेपर्स में मैंने ये भी देखा है, अगर किसी एक स्पेसिफिक फिलॉसफर पे आ जाता है तो स्टूडेंट के पास लिखने के लिए मवाद बड़ा काम होता है, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर बहुत ज्यादा मेन चीज होती है कंसेप्ट. तो जब कोई इस तरह का आदमी आ जाता, जैसे कांट था, अब कांट है तो इसमें स्टूडेंट्स के पास लिखने के लिए मवाद काफी आ जाता है. आप उसकी पूरी हिस्ट्री में जाते हैं, वहां से चीजें डिस्कस करते हैं. इतने एम्पिरिसिज्म के अंदर 3 फिलॉसफर थे, अब वो 3 फिलॉसफर का आप उनका रेफरेंस देते हुए आगे चले जाते हैं, तो आपका जो है ना एक अच्छा भला, यानी सवाल की जो है लेंथ बन जाती है. इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि आज का जो पेपर था इंतहाई आसान पेपर था, बैलेंस्ड पेपर था. बैलेंस्ड से भी आप समझ लें कि इसका अगर हम कहें कि आसानी की तरफ इसका ज्यादा एंड था, यानी कोई इतना मुश्किल नहीं था. अब जिस आदमी ने थोड़ा बहुत अगर 2 पोर्शन भी तैयार किए हैं, तो वो कम से कम 4 क्वेश्चन जो है ना इसमें से वो कर सकता था. इतना आसान पेपर था. अच्छा, एक और मेन चीज, जिस स्टूडेंट्स जो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो वो खासकर जब एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी आती है, तो सार्टर वगैरह, मॉडर्न फिलॉसफर, लिंग्विस्टिक फिलॉसफर, ड्रीडर वगैरह,
वो जब लोग आते हैं तो वो थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से टेक्निकल है, तो उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा सर, आपने बड़ी ये खूबसूरत बात की कि अमूमी तौर पर ये होता है कि फिलॉसफी को कभी भी कोई भी एग्जामिनर या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में टारगेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो आपकी इस बात से क्या हम ये अखज कर सकते हैं कि ये हमेशा से एक अदद स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा? देखिए, फिलॉसफी बुनियादी तौर पे एक हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है जी सर, और रहेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अभी तो ये डेड सब्जेक्ट था, अभी इसके कई साल तक जो है ये इसकी जो है आपके पास चांसेस मौजूद रहेंगे कि इसको जो है मेन स्ट्रीम में आते हुए और ज्यादा एक ट्रेंड लोगों का। पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिलॉसफी में ये भी एक फलसफे वालों की बड़ी मेहरबानी है कि फलसफे वाले कभी भी, फलसफे वालों का एक तो ये दिल होता है कि अपना प्रमोट कर रहे हो सब्जेक्ट, ये भी होता है कि जो सब्जेक्ट बैठ उनको प्रमोट करने की कोशिश होती है। दूसरा, फलसफे वाले नंबर बड़े खुल के देते आए हैं पहले से, पेपर भी कोई बहुत ज्यादा वो एक स्टूडेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ये जो है कोई बहुत बड़ा फिलासफर हो, इसलिए वो बहुत बेसिक बातों पे ही रहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स का ख्याल में ये जो खौफ है इस पेपर के बाद, कम से कम जिन स्टूडेंट ने दिया है तो उनको पता है कि ये कितना आसान पेपर था। जी सर, इस पेपर के एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए या कम से कम इस पेपर में आए हुए सवालात को मद्देनजर रखते हुए, हमारे यहाँ चूंकि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम दिनों का हिसाब लगाते हैं अमूमी तौर पर, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ दिनों का भी हिसाब लगाएं, व्हाट डू यू सजेस्ट और व्हाट आर यू फीलिंग दैट इसके अंदर एक ऐसा एस्पायरेंट जो कि पीएमएस 21 की तैयारी कर रहा है या सीएसएस 2022 की तैयारी कर रहा है, उसे मैक्सिमम कितने दिन दरकार है? देखें, ये तो सीएसएस का पेपर था, ठीक है, इस पेपर को तैयार करने के लिए स्टूडेंट के 15 डेज से ज्यादा, 15 डेज। देखें, फुल फ्लैश से मुराद ये नहीं है कि आप सुबह से बैठे हैं शाम तक यही फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, इस तरह फिलॉसफी पढ़ी भी नहीं जाती। इससे मुराद यह है कि दिन में एक आदमी पढ़ता है, वो 3 घंटे अगर देता है फिलॉसफी को, या वो किसी से पढ़ रहा है, लेक्चर सुनता है और उसके बाद लेक्चर को तैयार करता है, ठीक है, उसके नोट्स वगैरह बनाता है, 3-4 घंटे अगर वो दिन में देता है तो 15 दिन में ये पेपर जो है फिलॉसफी का वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब वो पीएमएस का आप समझो वो 2 पेपर है, तो उनके ऊपर आप लगा ले तकरीबन 2 पेपर पे 1 महीना, तो उस 1 महीने में वो दोनों पेपर इसी तरह तैयार कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा का वक्त उसके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। फिर मैं हमेशा ये कहता हूं कि फिलॉसफी का पेपर आप कतन भी सिर्फ फिलॉसफी का ना समझें, इसमें आपके एसे के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है आपको कंसेप्ट का पता चल जाता है, आपके बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बहुत अहम चीजें हैं। आप इकबाल है, इकबाल तो पाकिस्तान अफेयर से लेकर इस्लामियात तक इकबाल के हवाले से क्वेश्चन आए होते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी साथ साथ तैयार होती है। हाँ, तो तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आपके ओवर, फिर आपकी अंग्रेजी की बड़ी अच्छी हो जाती है, वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, लिखने का तरीका आ जाता है आपको, आर्गुमेंट कैसे बिल्ड किए जाते हैं, फिलॉसफी वालों को काफी इससे बेहतर जो है उनकी सूरत हाल हो जाती है। जी, बजा फरमाया सर। अच्छा सर, आप, हमने आपके सामने पेपर भी आ गया, आपने उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी बता दिए, आपने ये भी बता दिया कि ये पेपर बजाते खुद एक अदद किसी हद तक बैलेंस्ड पेपर है एज कंपेयर टू द पेपर ऑफ पर्टिकुलरली इंग्लिश कॉम्पोजिशन, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों ने तनकीद भी देखी। आप क्या समझते हैं, आपने माशाल्लाह अभी बैचेस पढ़ाए हैं आप, या इवन अपने स्टूडेंट्स से भी, एक आपका जो एवरेज तालिबे इल्म है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसने एक अदद फाइन तैयारी, फाइन प्रेपरेशन, नॉट आउट ऑफ द वे, ठीक है, नॉट बिलो दैट पर्टिकुलर एवरेज, आप कितने मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं? मैं एवरेज स्टूडेंट से जो कर रहा हूं, एवरेज से नहीं, मैं अपने हर तालिब इल्म से 70+ में मार्क्स उनसे कर रहा हूं, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 80+ तक आएंगे, राइट सर, तो मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। हाँ, पहले से मौजूद हैं, अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे पता है इंशाल्लाह वो लोग जो है उनके स्कोर 80 से ऊपर तक जाएगा, 80 तो जो है वो उनका लाजमी यहाँ तक रहेगा। इससे जो है अगर बाकी एवरेज स्टूडेंट्स का दूसरे जितने भी पेपर है 100 नंबर के, उन पेपर के हवाले से अगर इसकी प्रिपरेशन का टाइम देखें, पेपर की जो के हवाले से आप देखते हैं,
तो ये पेपर उनसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन दैट यू पुट इन फ्रंट ऑफ अस पर्टिकुलरली फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ द पीएमएस 21 एंड ऑफ कोर्स सीएसएस 2022। आज फलसफे पे बात हो रही थी तो मेरा ख्याल है कि अच्छे शेर पे ही इख्तिताम हो जाए। नहीं वो अच्छा शेर आप ही सुनाएंगे। चले सर ये गुनाह अजीम भी मैं ही कर देता हूँ कि आपके तमाम फलसफों की अहमियत अपनी जगह मगर शायर कहते हैं कि छान मारे हैं फलसफे सारे दाल रोटी सब पे भरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह वीडियोस के साथ स्टडी रिवर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होता रहेगा। जज़ाकअल्लाह।